Hello dear students, welcome back to my channel Vanstapha Learning Commerce. Today we are going to discuss about mode in the series of the bimodal series, and I have x value 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48 and 48 to 56, and I have frequency value 7, 12, 24, 30, 30 एंड 24 एंड 12. अब आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 30 एंड 31 है. आप कहते हैं स्टेप टू की तरफ चलेंगे. हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है. स्टेप टू है 1+2 एंड फ्रीक्वेंसी नंबर 1 एंड 2 को प्लस करना है. तो 7 और 12 को हम प्लस करेंगे. 19 हमारे पास आएगा. 24 प्लस 30 को प्लस करेंगे आपके पास 54 आएगा. एंड 30 प्लस 24 54. आप देखेंगे कि 54 आपके पास दो बार आ चुका है. आफ्टर दैट आपके पास जो थर्ड स्टेप है 2+3 करना है. 12 और 24 को प्लस करेंगे 36, 30 टू 30 आपका 60 एंड 24 टू 12 36. तो 60 आपकी हाईएस्ट वैल्यू है. 1+2+3 करना है तो 7, 12 एंड 24 आपके पास जो है वो 43 आ जाएंगे. 30 एंड 24 आपके पास जो है वो 84 आ जाएगा. तो 84 आपका हाईएस्ट है. नेक्स्ट स्टेप है 2+3+4. फ्रिक्वेंसी नंबर 2, 3, 4, 12 24 एंड 30. तो आपके पास 66 है. 24 प्लस 12 भी आपके पास 66 है. तो ये दोनों आपके पास जो है फ्रिक्वेंसी निकल के आ रही है. एंड 3, 4 प्लस 5 आपके पास जो है वो 84 निकल के आएगा. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे. तो 0 टू 8 आप देखेंगे. देखिए आपकी फर्स्ट वन है 30 टू 30. तो फर्स्ट स्टेप आपका किस में आ रहा है, 24 एंड 30 टू 40 के बीच. नेक्स्ट वन है 54 एंड नेक्स्ट टू 54 1+2. तो आपका ये किस में आएगा, ये आएगा स्टेप टू 16, 24, 32 एंड 40. नेक्स्ट आपका 60 है. तो 60 किस में आ रहा है, 24 एंड 32. नेक्स्ट आपका जो है वो कितना है, 84 है. तो 84 आपका जो फोर्थ स्टेप है वो किस में आ रहा है, 24, 32 एंड 40 टू 48, 16 एंड 16. तो ये आपका 2+3+4. तो 2+3+4, 2+3+4. नेक्स्ट 6 स्टेप है. तो 6 स्टेप आपका 84 है. ये आएगा आपके पास 1, 2, 3. दैट्स द जो 3+ आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 84 आएगा. दैट्स द 3+24, 3+4+5. तो आप देखेंगे टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी. टोटल वैल्यू निकल के आएगी इसकी 1, इसकी 2, इसकी 6, इसकी 6 और इसकी 4, इसकी 1. तो आपकी हाईएस्ट जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है बार बार आ रही है, दैट इज द 6, 6. अब हम जो है बाई मॉडल में फार्मूला है जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के आधार पे इसी क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे. तो अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखती हूँ, दोबारा से हम स्टडी करते हैं इसी क्वेश्चन को. देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है. आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे एंड कैलकुलेट करेंगे 139. हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं. 7, 7+12, 19, 90+24, 43, 43+30, that's 73, 73+30, 103, 103+24, 127, 127+12, 139. उसके बाद हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. 08+8/2, दैट इज द 4. नेक्स्ट का 12 निकल के आएगा 20, 28, 36, 44, 55. अब इसमें से अज्यूम्ड मीन हम मान के चलते हैं 28. तो डी जो वैल्यू है क्या निकल के आएगी, एम माइनस ए. डेविएशन निकल के आएगा एम माइनस ए. 4 माइनस 28 माइनस 24, 12 माइनस 28 कितना आ जाएगा, -16. 20 माइनस 28 माइनस 8, 28 माइनस 28 0. 36 माइनस 28 आपके पास क्या आ जाएगा, +8. 44 माइनस 28 प्लस 16 एंड 52 माइनस 28 प्लस 24. उसके बाद डी वार कैलकुलेट करेंगे, डी डिवाइडेड बाई
एट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 8 3 24, तो आपके पास -3 12 डिवाइडेड बाय 8 कितना 16 डिवाइडेड बाय 8 2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। आप एफ डी वार कैलकुलेट करोगे, एफ डी वार एफ की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई -3 -21 12 मल्टीप्लाई -2 -24 24 मल्टीप्लाई -1 -24 उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाय 0 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 36। तो सिग्मा एफ डी वार कितना आ जाएगा 45। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू मीन की निकल के आएगी ए प्लस सिग्मा एफ डी वार डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय आई। अज्यूम मीन 28 माना था, एफ डी आपका 45 निकला है, फ्रीक्वेंसी एन कितना है 139 है, मल्टीप्लाई इंटरवल 8 का है तो उसको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 30.59। उसी तरह मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेगी, एन अपॉन सेकंड आइटम आपने कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे 139 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 69.5। और 69.5 फ्रीक्वेंसी में देखो कहाँ फॉल कर रहा है यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे जो क्लास इंटरवल फॉर्मूला क्या होगा, लोअर क्लास प्लस एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। तो लोअर में कितनी वैल्यू है 24 प्लस एन डिवाइडेड बाय 2 69.5 ठीक है, एंड माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 43 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ रही है आपके पास 30 मल्टीप्लाई इंटरवल कितने का है 8 का ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी निकल के आएगी 31.07। तो आप क्या करोगे, मोड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन कितना निकल के आया 31.07 और मीन कितना निकल के आया आपके पास 30.59। तो ये कैलकुलेट करना है आपने, 32.03 इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह बाय मॉडल में ये सीरीज कैलकुलेट की जाती है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं।